गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस के ऊपर है। प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात चल रही थी और न्यूक्लियस की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट, न्यूक्लियस, ये जो चार पार्ट हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, तो बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर दोहरी कला का आवरण चढ़ा रहता है, चारों ओर दोहरी कला का जो आवरण है उससे घिरा रहता है न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो सेकंड पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो डबल मेम्ब्रेन है जिस लिक्विड द्रव को घेरे रहती है वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब क्या है, केंद्र, न्यूक्लियस, और प्लाज्म का मतलब यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी केंद्रक का साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर का साइटोप्लाज्म, आल्सो कॉल्ड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, कैरियोलिम्फ, यानी केंद्रक के भरा, केंद्रक के अंदर भरा हुआ लिम्फ या लिक्विड द्रव्य। कैरियो का मतलब क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो बच्चों जो डबल मेम्ब्रेन है वो एक समांगी होमोजिनस लिक्विड तरल पदार्थ को घिरे हुए रहती है। यह जो तरल पदार्थ है, लिक्विड जो सब्सटेंस है, यह न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लियो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, उसके अंदर खूब मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं और प्रोटीन्स यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में मिलती हैं। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में मिलती हैं। तो प्रोटीन्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड भी मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसके अंदर डीएनए और आरएनए भी खूब मात्रा में मिलता है। लगभग मैंने आपको बताया था 10% डीएनए एंड आरएनए उसमें मिलता है। डीएनए और आरएनए दोनों को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अलावा लिपिड्स भी खूब मिलते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस भी बोलते हैं। जो केंद्रक का जो द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो एंजाइमों का स्टोर हाउस भी कहलाता है। ठीक है, तो एंजाइम जो इसके अंदर जो एंजाइम हैं, जितने प्रकार के भी एंजाइम हैं, वो नॉन हिस्टोन से रिलेटेड होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जैसे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, ये बच्चों विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं जो अपने को काम आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोरिलेज, गुआनेज, एनएडी, कोएंजाइम ए आदि भी इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स के अलावा कैरियोलिफ के अंदर, एंजाइम्स के अलावा बच्चों मिनरल्स, खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोर, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, ये जो हैं मिनरल्स भी इसके अंदर खूब मात्रा में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड जो इसका पार्ट है वो है क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन, इसको जालक भी बोलते हैं, जो कि एक न्यूक्लियस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। केंद्रक का सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है क्रोमेटिन नेट। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, क्रोमोजोम भी बोलते हैं। बच्चों जो क्रोमेटिन है या जो क्रोमोजोम है, मेनली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जो क्रोमोजोम है या क्रोमेटिन जो रेटिकुलम है, गुणसूत्र है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो
नेचर है, इनका जो स्वभाव है वो कैसा होता है, बेसोफिलिक है। बेसोफिलिक क्षारीय प्रकृति के ये होते हैं। बच्चों ये जो क्रोमोजोम है इनको बड़ी आसानी से डाई या रंजकों द्वारा रंजित किया जा सकता है। यहाँ पर एक रंजक है फ्यूलजन रीजेंट, फ्यूलजन रीजेंट से इसको अभिरंजित किया जा सकता है, डाई किया जा सकता है। अगर क्रोमोजोम को फ्यूलजन रीजेंट से अपने डाई करें, अभिरंजित करें, तो इसके दो स्पष्ट पार्ट दिखाई देते हैं। दो क्रोमोजोम के दो स्पष्ट पार्ट दिखाई देते हैं। वे कौन से, ये देखो आप, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन हल्के व कम डाइज, मतलब हल्के व कम अभिरंजित होते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक रूप से ये अधिक एक्टिवेट होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो हैं वे गहरे अभिरंजित होते हैं और मेटाबॉलिक रूप से ये निष्क्रिय, लगभग निष्क्रिय ही होते हैं। बच्चों इसके बाद अपने इसका जो लास्ट पार्ट है न्यूक्लियस की प्रासंरचना में, इसका जो लास्ट जो भाग है वो है न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका को अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।